जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। दादा वहां एक औरत के साथ थे। होटल के उस सेक्शन से बाहर आ रहे थे जहां कमरे होते। विराट, क्या मोहित सच कह रहा है? हाँ काकू। देवा रे देवा, बस यही रह गया था सुनने के लिए इस घर में। विराट, उस होटल में उस औरत के साथ क्या कर रहा था और कौन थी वो औरत? क्या वो श्रुति थी? हाँ बाबा। अब बताइए, मैं कुछ गलत बोल रही थी क्या? काकू ने फालतू में ही मुझे डांट दिया। गप्पा बस। करिश्मा को गप्पा बस बोलने से क्या हो जाएगा बहनी? नहीं मतलब करिश्मा ने कुछ बोल दिया तो आपने उसको शांत करा दिया, और यहाँ लोग बाहर जाकर बड़े बड़े कारनामे करके आ रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं बोला जा रहा। वाह सोनाली, बस बाड़ा, तू गया होगा तो कोई काम से ही गया होगा ना? बता देना सबको कि क्या काम था। तू होटल में श्रुति को मिलने किस काम से गया था? बताना विराट, आखिर कौन है ये श्रुति? उसकी असली पहचान क्या है? रिश्ता क्या है तुम दोनों का? बोलना। मैंने उसकी पहचान किसी से नहीं छुपाई है। पहले दिन ही कह दिया था कि वो मेरे दोस्त की बीवी है, और यही सच्चाई है, यही सच है। अच्छा मेरा, तो तुम कह रहे हो कि श्रुति तुम्हारे दोस्त की वाइफ है, तो फिर कहाँ है तुम्हारा दोस्त और इस वक्त वो अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं है? वो यहां नहीं है, वो उसका साथ नहीं दे सकता है। कहाँ गया है वो? कहीं विदेश गया है? पापा कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप। ऐसे समझ लो मतलब? तो साफ साफ जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बताना क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। दादा ये कैसे पॉसिबल है? उस औरत की मांग में सिंदूर था, और चलो एक पल को मान लिया, दे दिया बेनिफिट ऑफ डाउट कि उसका पति जिंदा नहीं है, लेकिन आपने होटल में मिस्टर एंड मिसेस विराट सवान के नाम से चेक इन क्यों करवाया था? आपने होटल स्टाफ को क्यों बोला था कि वो औरत आपकी बीवी है? तेरी खामोशी बता रही है कि मोहित जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। तूने एक ऐसी औरत को
इस खानदान का नाम दिया है जिसे हम जानते तक नहीं। इतनी गिरी हुई हरकत, तुमने हमारे बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा। बाबा, अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता तो मैं कोई और नाम से उसका चेक इन करवाता ना, अपना नाम क्यों यूज करता? हम बेवकूफ नहीं है विराट, किसी भी होटल में चेक इन के पहले अपना आईडी दिखाना पड़ता है। अपनी मजबूरी को अपनी महानता साबित करने की कोशिश मत करो तुम। और अगर आईडी नहीं दिखाना पड़ता तो भी क्या तुम विराट चौहान यही नाम देते? हाँ। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और वही कर रहा है तू। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। मेरा बेटा, जिसने गर्व से मेरा सीना चौड़ा कर दिया था, आज उसी मेरे बेटे ने मेरी आंखें शर्म से झुका दी हैं। वीरू, वीरू, मैं झूठ बोल रहा है ना? ये सच नहीं है ना? बोल रहा तो झूठ क्यों खड़ा है? मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वीरू ऐसा नहीं हो सकता। बता दे कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिसेस विराट चौहान सिर्फ और सिर्फ सही हो सकती है और कोई नहीं। नहीं ना, बोलना बोलना वीरू, कब का मसला है? बोलना देवी, बोलना। देवी नहीं, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। बोलना देवी, देवी, देवी शांत हो जाओ। देवी चलो मेरे साथ। बोलना वीरू, देवी संभालो अपने आपको। क्यों नहीं बोल रही है? सब झूठ है, सच है। ये सब सच है ताई। मैंने मिस्टर एंड मिसेस चौहान के नाम से ही चेक इन किया था। देवी, ताई, देवी संभालो अपने आप को। सही, सही, बेटा कुछ तो बोलो। सही, कुछ तो बोल ना बाड़ा, कुछ तो बोल। सही कभी मिसेस चौहान बनी कहाँ थी? ये तो पहले ही दिन से बोलती आ रही है कि मैं सिर्फ सही जोशी हूँ। और मैंने इसे कितनी बार कहा था कि तुम अगर अपने पति की पत्नी नहीं बनी तो तुम्हारा पति भी ज्यादा दिन तुम्हारा पति नहीं रहेगा। लेकिन इसे बात समझ में ही नहीं आई। अब देखा, बन गई ना कोई और मिसेस विराट चौहान। बस पाखी, बस। पत्र लेखा पे क्यों चिल्ला रहा है? जो चीज करते हुए तुझे शर्म नहीं आई, उसके बारे में सुनकर तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? पत्र लेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। सही ने कभी भी अपने आप को तेरी पत्नी नहीं माना, बस पति को दोस्त बनाकर रख दिया। ये क्या मोदक, मिर्ची मिर्ची मोदक का खेल खेलते रहे। जब तकदीर ने अपना खेल दिखाया तो सबके होश उड़ गए। मुझे सिर्फ इतना बता कि वो औरत मिसेस विराट चौहान बनी कैसे? उनका गुरूर तोड़ के खुशी तो मिल रही होगी ना? बहुत बोलिए ना। अरे
ये आपके भाई हैं। आप अब भी इन्हें मौका देना चाहते हैं? मैं जानती हूँ दादा, क्या मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मुझे दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन दादा बस अब वक्त नहीं है कहानी सुनने सुनाने का, कुछ कहने का, क्योंकि ये तो पहले किसी को मिसेस विराट चौहान का दर्जा दे चुके हैं। अगर आपको ऐसा करना तो मिल सकता तो मुझे बताया क्यों नहीं? आपने क्यों मुझसे ये सब छुपाया? मुझे क्यों धोखा दिया? क्यों अंधेरे में रखा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब आपने किया। अगर आपकी कोई दूसरी बीवी थी तो फिर मिशन पे जाने से पहले क्यों बोला मिस भाई? और उससे भी जरूरी बात, जब काकू ने मुझे वापस आपके कमरे में मूव होने के लिए बोला तो आपने मना क्यों नहीं किया? पत्नी जैसा प्यार करते हैं। मैं बेसब्री से आपके लौटने का इंतजार कर रही थी, एक पत्नी की तरह आपकी सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझसे एक पति की तरह प्यार करते हैं? और अब मुझे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरी औरत है। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया सही, ना हमारे रिश्ते को धोखा दिया। मैंने हमारे रिश्ते का मान कल भी रखा था, आज भी रखता हूं और हमेशा रखूंगा। उसी रिश्ते पर भरोसा रखकर मैंने तुमसे ये कहा था, सही वक्त का इंतजार करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और तुम कल मान भी गई थी, लेकिन आज फिर से इसी नतीजे पर पहुंच गई हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। इसीलिए तो तुमने आज स्टेज पर सबसे कह दिया ना कि मैं तुम्हारा कोई नहीं। एनीवे, एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। या हमारा रिश्ता शर्मिंदा हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरा बेटा अपनी गलती मानने के बजाय उन्हें छुपाने में लगा है। तेरे बहू के सवालों पर ही सवाल उठा रहा है गोड़ू। लेकिन ऐसी कौन सी बात है गोड़ू जो तुम छुपाना चाहते हो, बताओ ना। क्या तू साहस को दुनिया में लाने में श्रुति की मदद करेगा? वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं साहस और श्रुति को, कुछ नहीं होने दूंगा, सबसे बचा के रखूंगा। चिंता मत कर, किसी को कुछ ना बता पाना मेरी मजबूरी आई, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। प्लीज मुझसे अभी और कुछ मत पूछिए। जो भी बातें खुल के बोलो विराट, यहाँ पर सब तुम्हारे अपने ही हैं। बताओ ऐसी क्या परेशानी जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? तुम इस सब से दूर रहो प्लीज। क्या? तुम्हारी स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि आग में पानी डालने के बजाय पेट्रोल डालना ज्यादा पसंद करती हो, ये मैं अच्छे से जानता हूं। इसलिए प्लीज स्टे अवे। अगर किसी को सवाल पूछने का हक है तो वो सिर्फ सही को है, क्योंकि वो मेरी बीवी है।
आपकी बीवी हूँ, तो आपने रजिस्टर में मिसेस श्रुति विराट सावन क्यों लिखवाया? अपना नाम किसी और औरत को देने के बाद आप मुझे बीवी कह रहे हैं? क्यों? किस हक से? बोले ना, किस हक से? पता नहीं कितने दिन से उसके साथ उस होटल में रह रहे हैं और आज मैं आपकी बीवी बन गई। विराट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दिया हुआ नाम उस औरत को देने की? इसने तेरे जैसे एक शादीशुदा मर्द को अपने जाल में फंसा लिया। मतलब करिश्मा बिल्कुल सही, करेक्ट, बरोबर बोल रही थी कि विराट का बाहर कहीं अफेयर है। घर में ये ड्रामा कम था जो बाहर भी एक पाल लिया। विराट, ऐसी औरतों को बीवी का दर्जा नहीं दिया जाता। ये श्रुति जैसी औरत को? बाबा संभल कर। आप श्रुति के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेंगे, कुछ नहीं। मस्त मस्त। उस औरत के लिए तो अपने बाबा से बदतमीजी से बात कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे जब औरत दिमाग पे कंट्रोल काबू कर लेती है ना, तो आदमी तो ऐसे ही बर्ताव करेगा ना। बस बस काकू, मैं श्रुति के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। ए लड़की, अब भी निकल मेरे घर से। काकू, सई और उषा मौसी दोनों हमारे साथ ही रहेंगे इसी घर में। अगर इस घर की किसी भी बहू ने शादी के बाद ना कॉलेज गई है ना नौकरी पे गई है, तो फिर सई भी नहीं जाएगी। सही, काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चलो। मैं आप सबकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपना नाम और अपना फैसला दोनों नहीं बदलूंगी। नाम इंसान की पहचान होती है और उसे बदलने का हक सिर्फ उसी को होता है, किसी और को नहीं। आप इस औरत का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं विराट सर? आप तो मेरे लिए अपने पूरे परिवार से लड़ जाते थे और आज किसी दूसरी औरत के लिए अपने परिवार के साथ क्या? अब तो मेरे भी खिलाफ हो गए। मुझे लगता था आप सही का साथ देते हैं, लेकिन नहीं, आपको अपने लिए जो सही लगता है अब उसका साथ देते हैं। वो श्रुति आपकी लगती कौन है? क्यों इतना मायने रखती है वो? क्या वो आपके लिए इतनी जरूरी है क्या? आज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या आप उस श्रुति के लिए हम सबके खिलाफ जाएंगे? जाऊंगा। और खिलाफ जा रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उस पर विश्वास रखता हूं। श्रुति के खिलाफ किसी के भी मुंह से मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.